चैंबर इलेक्शन मुहिम में टेक्सटाइल सेक्टर ने फैसला दे दिया। पूरा सेक्टर बिजनेस ग्रुप की हमायत में मैदान में आ गया। नवीद रांझा एसोसिएट क्लास जबकि फाहिद तौसीफ कॉर्पोरेट क्लास एग्जीक्यूटिव सीटों के लिए नामजद। नवीद रांझा की जानिब से ग्रैंड डिनर का एहतमाम। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जर्नल रिपोर्टर शाहरुख अली से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टेक्सटाइल सेक्टर समेत बिजनेस कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद की शिरकत आज़ाद ग्रुप का कमर दिल बनसारी की ज़ेरे सरपरस्ती बिजनेस ग्रुप की कामयाबी के लिए भरपूर मुहिम का अज़म। इस मौके पर चेयरमैन राणा नासिर महमूद ने सी क्लास के लिए फात तौसीफ और ए क्लास के लिए नवीद रांझा के नामों का ऐलान किया। इस मौके पर कायदीन ज़ियाउल्लाह इरफानी, शेख आमिर रहमान, मियाँ उमर सलीम, आसिम अनीस, समीउल्लाह नईम, अताफरी चौधरी, गुलाम हुसैन जज, जफर इकबाल डार, नुमालुर हक फुलरवान, राना गुलाम मुस्तफा, राना सदीक अली, हुमायूं भट्ट और दीगर मौजूद थे। टेक्सटाइल सेक्टर के अशाइए में गैरमूली शिरकत ने वाजे कर दिया कि अब की बार इस सेक्टर से वाबस्ता सनअतकार मुकम्मल तौर पर बिजनेस ग्रुप के हम ख्याल हैं और इसकी फतह के लिए पुरजोश हैं। कायदीन बिजनेस ग्रुप ने खिताब में टेक्सटाइल सेक्टर के सनअतकारों ताजरों के जज्बा को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि आप लोगों ने हक सच पर चलने की मिसाल कायम की है। आपका अज़म और जुरत का इजहार है। तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह राह है। हम कमर दिलबर अंसारी की फेम फरासत को हदिया तबरीक पेश करते हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ देने की तारीख रकम की है। मजीद कहा कि चैम्बर का बरसदर इक्तदार ग्रुप टेक्सटाइल सेक्टर का दुश्मन है जिसने 2022 में ऐसी घिनौनी साजिश की और इस सेक्टर के गैर हकीकी फैसले के तहत सी क्लास वोटर को एक क्लास में भेज दिया गया। सी क्लास के लिए 50 मिलियन टन ओवर की शर्त सिर्फ गुजरांवाला चैम्बर में लगाई गई और कहीं नहीं थी। असूल यह है कि मैन्युफैक्चरर्स बराह रास्त सी क्लास के वोटर होते हैं, लेकिन 2022 में यह ज्यादा की गई जिसका इस सेक्टर में बड़ा गमो गुस्सा था और इस वजह से बरसरेर इक्तदार ग्रुप गुज़िश्ता एक क्लास इलेक्शन में बुरी तरह से हारा। इंशाल्लाह आपकी बार टेक्सटाइल सेक्टर के दोस्तों का खलूस और जज्बा रंग लाएगा और जिस मजबूती से ये बिजनेस ग्रुप के साथ खड़ा है हम सुरखरू होंगे और मुखालफिन को बड़ी शिकस्त होगी। बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।